बांटकर। यही कारण है दोस्तों कि मोदी सरकार और योगी सरकार जब से इस देश में आई वह लगातार छात्रों के ऊपर कहर बरपा रही है, मजदूरों के ऊपर कहर बरपा रही है, किसानों के ऊपर कहर बरपा रही है और एक मूल जरूर नीतियों को लागू करके हम प्रयास को इधर उधर भरमाने का काम कर और पूरा का पूरा मीडिया चंद एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो इसके गुणगान गाने में लगा हुआ। हम लोग जेएनयू के पूरे मामले में जी न्यूज जैसे चैनलों को देख चुके थे, हम लोग छात्रों के मामले में मजदूरों के मामले में जब उनके दमन की बात आती है, उनके अधिकार की बात आती है तो तमाम चैनलों को देखते हैं तो इन मुद्दों को छोड़ करके तमाम उन जरूर मुद्दे कैसे थे। और दूसरी तरफ तमाम इंटरनेट की फर्जी वेबसाइटों के द्वारा, फेसबुक पे तमाम ट्रोल के द्वारा इनका जो आईटी सेल है, बीजेपी का जो आईटी सेल है, वो लगातार ऐसी चीजों का प्रचार लोगों के दिमाग में कर रहा है। उदाहरण के लिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अभी जब दुनिया भर में क्रूड ऑयल का रेट सबसे कम स्तर तक पहुंच गया है, इस देश में पेट्रोल का दाम कितना ऊपर पहुंच गया है। और ऐसे में तमाम ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा बीजेपी आरएसएस के समूहों द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि भैया ये दाम जो बढ़ेगा इससे जो सरकार को आमदनी होगी उससे मुफ्त में राशन गरीबों को बांटा जाए, उससे मुफ्त में शिक्षा चिकित्सा मुहैया करवाई जाए। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा चिकित्सा तो कहीं मुफ्त में मुहैया नहीं हो रही है, बजट को कम किया जा रहा है और दूसरी तरफ जनता के जेब से एक एक पाई लूट करके तमाम पूंजीपतियों टाटा बिल्ला अंबानी अदानी को मुफ्त में लुटाया जा रहा है। जनता के ऊपर तमाम तरह के ऐसे चीजें लादी जा रही हैं और दूसरी तरफ तमाम कर्ज जो तमाम बड़े बड़े पूंजीपति लेते हैं वो कर्ज नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पे माफ कर दिए जाते हैं और फिर बताया जाता है कि सरकार का खजाना तो खाली हो रहा है इसलिए ऊंचे दाम को तुम लोग अपनी जेब से भरो, अपने घर में रखे हुए पैसे को बैंक में जमा करो और अपने खून पसीने की कमाई को सरकार के टैक्स में दो ताकि सरकार का खजाना फिर भरे और फिर तमाम पूंजीपतियों को ऋण दे करके उसको माफ करो। बीएचयू की छात्राओं ने जो संघर्ष शुरू किया है 48 घंटे से ऊपर जो उनका धरना चल रहा है उस पे जो तमाम तरह के पुलिसिया और प्रशासनिक अत्याचार हो रहे हैं और हम लोग जानते हैं दोस्तों दिल्ली के तमाम विश्वविद्यालयों में चाहे जामिया हो चाहे जेएनयू तमाम ऐसे छात्र जो इन मुद्दों को लेकर के खड़े हो रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, उनको क्या कर रहा प्रशासन, उनको कभी टर्मिनेट कर रहा है, कभी उनकी पीएचडी निरस्त कर रहा है, कभी उनको अगला एडमिशन ना मिल पाए इसकी तमाम जुगत कर और इस तमाम तरह से विश्वविद्यालयों पे हमले जारी। दोस्तों जब किसी समाज में विश्वविद्यालय पे हमला होता हो, पढ़ने वाले लोगों पे हमला होता हो तो इसका साफ मतलब है कि आने वाले समय में तमाम नागरिकों पर और मजदूरों पर और हमला तेज होने वाला। मजदूरों पे तो पहले से ही हमला तेज हो गया दोस्तों, 18 मार्च को इसी साल जो मारुति के मजदूरों पर फैसला आया है वो सब साफ साफ बता रहा है कि इस देश की सरकार की नीयत क्या और हरियाणा में बीजेपी सरकार की नीयत क्या है, केंद्र में बीजेपी सरकार की नीयत क्या। हम लोग देख रहे हैं ये छात्राएं क्या मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रही हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए, हम लोग अपने हॉस्टल से जब चाहे निकल सके, सही माहौल में पढ़ाई लिखाई कर सके, शांति चाहिए, ये बीएचयू की छात्राओं की पहली मांग। उनकी मांग है कि प्रशासन और छात्र छात्राओं के बीच एक उचित समन्वय बने, प्रशासन इस तरह से एक्ट करे कि हम
समझे कि प्रशासन के अंतर्गत हम लोग सुरक्षित हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, ये उनकी दूसरी मांग। बीएचयू की छात्राओं की मांग है कि गेट पर ऐसे कैमरे लगे ताकि इस तरह के तत्वों की शिनाख्त की जा सके जो लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मांग प्रशासन को नागवार गुजर रही है, ये मांग योगी सरकार को नागवार गुजर रही है और वो चाहती है इस तरह की मांग न की जाए। आप बताइए, इसमें कौन सी ऐसी मांग है जो इस देश के खिलाफ जाती है? कौन सी ऐसी मांग है जो नाजायज? नहीं दोस्तों, तो ये सरकार जो हमसे आपसे तमाम बातें करती है लेकिन हमारे आपके सर पे लाठी बरसाने का काम कर रही है, हमारे आपके सर पे डंडे बरसाने का काम कर रही है, इसकी असलियत हम लोग तो समझ रहे हैं लेकिन आप लोगों को समझाना, क्योंकि आज जब इन छात्राओं को भी देशद्रोही और पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मोदी विरोधियों का आंदोलन बता करके इसको गड्ढे में डालने की कोशिश की जा रही है, तो हमको समझना हो और समझाना भी होगा दरअसल आंदोलन किस चीज के लिए। मैं अभी दिशा के साथी और आज कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे साथी निषाद से कहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी निषाद।